हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग एक बार फिर से आप सभी का धुरिना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश की तैयारी कैसे करें चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे वो एस हो हरियाणा गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम हो ग्रुप डी ग्रुप सी या फिर सी किसी भी स्टेट का हो राजस्थान हरियाणा यूपी बिहार या फिर आप किसी भी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो ठीक है क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन सबका ये डाउट होता है कि हम अपने इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें कहाँ से शुरू करना है अच्छा अगर यहाँ से शुरू कर लिया तो उसको करना कैसे कंप्लीट कैसे करना है बेसिक से पढ़ना है या एडवांस से पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है या फिर बिल्कुल जो है लाइक जो ये जितने भी क्वेश्चन हैं जितने भी डाउट्स हैं आज हम उन सबको क्या करेंगे इस क्लास में क्लियर करेंगे राइट सो शुरू करते हैं सो so, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश फ्रॉम बेसिक लेवल फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स राइट सो जितने मैंने आपको एग्जाम्स बताए उसमें सभी क्लियर आ जाते हैं सभी एग्जाम्स कवर हो जाते हैं राइट right? सो so, इसमें हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आपको एक बात सुननी है वो ये है कि आपको डायरेक्टली डोंट अप्रोच एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट फर्स्ट यानी कि अगर आप क्या हैं बिगिनर हैं क्या है अगर आप क्या है बिगिनर्स हैं तो आप सबको क्या नहीं करना है जो एग्जाम ओरिएंटेड है यानी कि जो एग्जाम में आने वाला सिलेबस होता है उसे डायरेक्टली क्या नहीं करना है पढ़ना नहीं है ऑल राइट सेकेंड बात मेक फाउंडेशन स्ट्रोंग यानी कि फाउंडेशन का मतलब क्या होता है जो बेसिक सी चीजें होती हैं क्या जो बेसिक बेसिक चीजें होती हैं आपको सबसे पहले उन्हें पढ़ना है ठीक है यानी कि आपको सबसे पहले अपना क्या करना है फाउंडेशन स्ट्रॉ करना है ठीक है एंड यस वॉच दिस वीडियो पहले है ना अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे उसके बाद में आपकी चीजें क्या होंगी क्लियर होंगी एंड अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर आप नए हैं या फिर आप पहले इंग्लिश पढ़ चुके लेकिन अभी तक आपको समझ नहीं आए कैसे पढ़नी है ठीक है आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर मैंने बता दिया आपको कंप्लीट डिस्कशन करेंगे आज की इस क्लास में तो अगर आज आप इसे पूरा देख लेते हैं तो आपके जितने भी डाउट्स हैं जो आज तक क्लियर नहीं हुए थे वो आज क्लियर होने वाले है। ठीक है सो so, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे इंग्लिश के टॉपिक्स कौन से कौन से रहते हैं ठीक है ये चार टॉपिक हैं बेसिकली हम तीन टॉपिक्स को कंसिडर करते हैं हमारी ग्रामर को हमारी वो कैब को और रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं है ना क्योंकि हमें ये लगता है कि जो एग्ज़ाम में आना है हमें वही पढ़ना है तो इसलिए हम क्या करते हैं ग्रामर को पढ़ते हैं इसलिए हम वो कैब को पढ़ते हैं इसलिए हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन को पढ़ते हैं और हम अपने लिसनिंग को छोड़ देते हैं ठीक है लेकिन हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि लिसनिंग का कितना बड़ा अहम रोल है इंग्लिश के अंदर आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के अंदर ठीक है सो so, ये चारों टॉपिक आज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपको टाइम कितना देना है पढ़ना कैसे है कहां से शुरू करना है कहाँ खत्म करना है कितने टाइम में करना है वो सब ठीक है सो so, सबसे पहला हमारे पास में और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर ठीक है सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है ग्रामर अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी इंट्रोडक्शन क्लास जो कि हमारा एक फ्री इंग्लिश बैच चल रहे हैं उसमें एक इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि जो ग्रामर है ग्रामर आपके एग्जाम्स में फिफ्टी परसेंट पूछी जाती है यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर आपके एग्जाम में दस क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश से तो आपके उसमें से पांच क्वेश्चन कहाँ से रहते हैं ग्रामर से रहते हैं ठीक है सो so, इसके लिए आपको क्या करना है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने जो भी सब्जेक्ट हो गया वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट यानी कि आपको पता है कोई सेंटेंस होता है ये सेंटेंस है आपको क्या करना है सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट क्या होता है ठीक है उसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है उसमें वर्ब कौन सी यूज हुई है ये जो बेसिक बेसिक सी चीजें होती है इन्हें क्लियर करना है साथ में फ्रेज क्या होते हैं क्लोज क्या होते हैं इन्हें क्लियर करने। सेंटेंस एंड से, यानी कि आपने पढ़ा होगा नाउन प्रोनाउन एडवर्ब प्रपोजिशन वगैरह जो ये टाइप्स हैं आपको क्या करना है उन्हें क्लियर करना है उन्हें सबसे पहले पढ़ना है क्योंकि इन्हें पढ़ने के बाद में क्या होगा आपके पास में किसकी नॉलेज होगी आपके पास में सेंटेंस की नॉलेज होगी ठीक है किसकी नॉलेज होगी आपके पास में सेंटेंस की नॉलेज होगी और आप छोटी छोटी चीजों को समझ पाएंगे आपके जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे ठीक है फिर दूसरी बात आपको टेंसिस पढ़ने हैं टेंसिस पढ़ने से क्या होगा आपको पता चलेगा कि कहाँ पे किस वर्ब का यूज करना है कौन सी बात किस टाइम में कही जा रही है प्रेजेंट की बात है फ्यूचर की बात है या फिर हमारी पास्ट की बात है सो so, टाइमिंग का पता कहाँ से चलेगा हमें टेंसिस से पता चलेगा ठीक है दूसरी बात क्या है कि थ्योरी नीड्स टू बी डन ओनली वंस आपको क्या करना है जो भी थ्योरिटिकल पार्ट है किसका ग्रामर का जैसे आपके, आपके पास में टॉपिक्स हैं सारे ग्रामर के आपको क्या करना है उन सब टॉपिक्स को ओनली वंस यानी कि एक बार एटलीस्ट क्या करना है बहुत अच्छे से डीपली और डिटेल में क्या करना है पढ़ना है कंप्लीट करना है प्लस आपको उनके क्या बनाने हैं नोट्स बनाने हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि अभी दो महीने पहले नाउन पढ़ा फिर दो महीने बाद नाउन पढ़ने लगे फिर भूल गए फिर नाउन पढ़ने लगे नहीं आपको बस एक बार पढ़ना है उसके नोट्स बनाने हैं उसके बाद में क्या करना है वो मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको ठीक है कंप्लीट ग्रामर आपको एक बार क्या करनी है कंप्लीट पढ़नी है ऐसा नहीं कि अच्छा एग्जाम में तो ये पूछा नहीं जाता मैं इसको नहीं पढ़ूंगा नहीं इसको नहीं पढ़ूंगा नहीं आपको क्या करना है अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको एक बार के लिए जितने भी टॉपिक्स हैं कंप्लीट ग्रामर के वो सब क्या करने हैं कंप्लीट करने हैं प्लस अगर टाइम की बात करें अगर कुछ बच्चे पूछते हैं कि हमें टाइम कितना देना है ग्रामर को तो मैं आपके लिए सजेस्टेड करूंगा कि आपको वन आवर यानी कि एक घंटा पर डे आपको एक घंटा पर डे यानी कि एक घंटा आपको रोज क्या देना है ग्रामर को देना है ठीक है आप ग्रामर की कोई भी क्लास ले लो किसी भी टीचर से आप उसको क्या करो कंप्लीट करो ठीक है जैसे मान लो आपने कहीं से बैच लिया और उसका आपने फर्स्ट टॉपिक नाउन शुरू कर दिया तो नाउन की क्लास लगभग एक घंटे की होगी तो आप उसे पढ़ो एक दिन में बस ये आपको करना है ठीक है ऐसे करते करते मैक्सिमम मैक्सिम सत्तरअस्सी क्लासेज होंगी आप यानी कि डेढ़ दो महीने में अपना इंग्लिश का जो ग्रामर का है वो पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे राइट फिर दूसरी बात यह है कि इससे क्या होगा आपके जितने भी बेसिक्स हैं किसको लेके इंग्लिश को लेके ले वो क्या होंगे क्लियर होंगे रूल्स क्लियर होंगे ठीक है सो ग्रामर सबसे पहले करना बहुत जरूरी है ठीक है इसके बाद में दूसरी चीजें हमें करनी है नेक्स्ट अगर हम बात करें रीडिंग स्किल की है ना अगर हम नेक्स्ट बात करें किसकी रीडिंग स्किल की तो रीडिंग स्किल में क्या आता है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रीहेंसन कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट कौन से वाला कॉम्प्रीहेंसन ठीक है कॉम्प्रीहेंसन ठीक है आपने पढ़ा होगा ना एग्जाम वगैरह में आता है पैसेज वगैरह आते हैं तो उसे ही हम बोलेंगे रीडिंग स्किल में ठीक है उसे हम किस में कंसीडर करेंगे पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन में इसमें क्या करना है आपको इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्योंकि आपको पता है जो ये वाला पार्ट है एग्जाम्स में वो ट्वेंटी फाइव परसेंट पूछा जाता है लगभग ठीक है यानी कि अगर आपके टेन क्वेश्चन आ रहे हैं तो टेन में से जो आपके लगभग दो से तीन क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में से आते हैं ठीक है तो आपको इन्हें कैसे करना होता है आपको पता है जैसे कोई भी पैसेज आता है कॉम्प्रिहेंशन आता है आपको उसको पढ़ना होता है ठीक है पढ़ के समझना होता है उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं चार पांच नीचे वो क्या होते हैं आपको उनके आंसर करने होते हैं राइट सो so उसके लिए वो अंडरस्टैंडिंग को क्या करने के लिए डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है अगर आप बिगिनर्स हैं बिल्कुल तो आपको शॉर्ट स्टोरीज पे फोकस करना चाहिए कॉमिक्स वगैरह नॉवेल्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं कोई भी इंग्लिश के ठीक है साथ में आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ें ठीक है जैसे मोटिवेशनल आती हैं सेल्फ हेल्प बुक्स आती हैं ठीक है कौन से वाली सेल्फ हेल्प बुक्स आप इन्हें पढ़ सकते हैं ठीक है प्लस में सब्जेक्ट रिलेटेड यानी कि सब्जेक्ट रिलेटेड यानी कि अगर आप ये वाली बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो आप क्या कर सकते हैं इंग्लिश की जो स्कूल की बुक्स होती हैं यानी कि छठी से आठवीं या छठी से दसवीं तक की आप क्या कर सकते हैं वो वाली बुक्स पढ़ सकते हैं ठीक है सिंपली आपको करना क्या है आपकी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आप उसके लिए क्या करो सिक्स टू टेंथ की इंग्लिश की बुक्स उठा लो एनसीआर किस की किसकी बुक्स उठानी है एनसीआर की ठीक है तो वहां से आपके मैक्सिमम वर्ड्स क्या हो जाएंगे कवर हो जाएंगे और मैक्सिमम रूल्स भी कवर होंगे ठीक है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को समझने की वो भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि आपने उससे पहले अगर आप हिंदी मीडियम में हिंदी में बुक्स पढ़ कर आए हैं तो आपको हिंदी में पता होगा इसका मतलब क्या होता है फिर जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये जो बात थी उस, उसको इस तरह से कहा गया है तो जब आप फिर नेक्स्ट पैसेजेस वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे तो आप उन्हें और बेहतर अच्छे अच्छे तरीके से कर पाएंगे ठीक है दूसरी बात अगर आप इंग्लिश के साथ में सोशल साइंस की बुक्स पढ़ते हैं यानी कि अगर स्पेशली मैं बात करूं पॉलिटी या हिस्ट्री वगैरह की बुक्स तो उससे भी क्या होगी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी ठीक है एक तो दूसरी बात तो ये कि आपका जीएस अच्छा हो जाएगा आपको पता है कि आपने देखा होगा यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले या किसी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं वो सब क्या करते हैं सबसे पहले एनसीआर पढ़ते हैं ना बेसिक्स क्लियर करते हैं तो सोचो अगर आप एक स्टेट गवर्नमेंट की आप एस एस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एनसीआर को इंप्रूव करने के लिए बुक्स है? हो है? हो right? so होती हैं लाइक पॉलिटी एंड अपना हिस्ट्री वगैरह आप उसे भी पढ़ सकते हैं ठीक है साथ में ये वाला पॉइंट थोड़ा सा बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए कि आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं क्या पढ़ने हैं एडिटोरियल्स एडिटोरियल्स फॉर बैंकिंग स्टूडेंट्स हिंदू जो दिंदू न्यूज पेपर आता है कौन से वाला द हिंदू ठीक है, है? है? के स्टूडेंट्स के लिए अगर आप बैंक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस पॉइंट को कंसीडर कीजिए फिर मेन थिंग आता है कि हमें टाइम कितना देना है रीडिंग स्किल के लिए तो आपको इसके लिए पर डे थर्टी मिनट्स देने कितने देने थर्टी मिनट्स आपको हर रोज मिनट देने हैं, ठीक है, ताकि आप अपनी रीडिंग स्किल्स को अच्छा कर सके साथ में ही अगर आप इसके साथ में अगर आपको लगता है कि शॉर्ट तो, स्टोरीज पढ़ना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए कॉमिक्स नॉवेल्स पढ़ना मुश्किल है तो आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप एक रीडिंग स्किल की या कॉम्प्रिहेंशन की बुक आती है कोई भी बेस्ट है ना तो उसे खरीद लीजिए और हर रोज जितना हो सकता है कॉम्प्रीहेंशन पढ़िए उनकी प्रैक्टिस कीजिए जो उस बुक में दे रखे हैं और उसके क्या लगाइए क्वेश्चन लगाइए ठीक है और जो उसके वर्ड मीनिंग्स निकलते हैं आप उन्हें राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक वगैरह में तो वहां से क्या होगा आपका मैक्सिमम पार्ट क्या हो जाएगा इंप्रूव हो जाएगा आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट राइट नेक्स्ट है हमारे पास में इंपॉर्टेंट और जिसकी क्लासेज अभी हमारी करंट में चल रही है यूट्यूब पर वो कैब ठीक है अब वो कैब को लेकर सबके मन में ये रहता है कि अच्छा एक में एक पॉइंट और बता देता हूं मैं इसके साथ में रीडिंग स्किल के साथ में कि इसमें क्या क्या रहता है आपका मैंने आपको बता दिया एक आपका पैसेज आता है ठीक है एक आपका पैसेज आता है प्लस में आपके क्लोज टेस्ट भी इसी में आते हैं कौन से वाले क्लोज टेस्ट ठीक है क्लोज टेस्ट भी आपके किस में आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं ठीक है क्लियर यहाँ तक नेक्स्ट हाँ तो अब बात करते हैं वो कैब की वो कैब के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले वो कैब यानी कि शब्द वर्ड मीनिंग्स बेसिकली हम लोग ऐसे ही जानते हैं वो कैप को ठीक है यानी कि वर्ड वर्ड मीनिंग्स वाला टॉपिक ठीक है आप ये मान के चलो कि जो बेसिक वाले वर्ड्स हैं कौन से वाले जो बेसिक वाले वर्ड्स हैं आपको उन्हें कंप्लीट करना है सबसे पहले फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स यानी कि फ्रीक्वेंटली मतलब जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं कौन से वाले जो हम हमारी डेली लाइफ में क्या करते हैं यूज़ करते हैं आप उन्हें सीखो पहले उनका यूज़ करो ठीक है वर्ड्स फ्रॉम एन देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको रीडिंग स्किल में बताया और इसमें बता रहा हूँ कि आप क्या करो जो अगर आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ेंगे या आप एस की बुक पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा आपके इंग्लिश के वर्ड्स तो आएंगे ही क्योंकि आपको पता होगा सरकारी एग्ज़ाम है और सरकारी एग्ज़ाम से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं सरकारी किताबों से आते हैं बात क्लियर है आपने देखा होगा जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए कौन सी बुक सजेस्ट करते हैं आपको कोई कहता है कि आप इसकी बुक पढ़ो उस टीचर की बुक पढ़ो नहीं आपको क्या बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ो लेकिन हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं। क्यों क्योंकि हमें खुद से मेहनत नहीं करनी हमें क्या चाहिए स्पून फीडिंग चाहिए कोई बना बनाया दे दे हम पढ़ लें बस तो इसीलिए कह रहा हूं सरकारी पेपर है सरकारी किताबों से आता है तो आप एनसीआरटी पढ़ सकते हैं वहां से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी प्लस में आपका जीएस जी की अच्छा हो जाएगा क्लियर यहां तक बात दूसरी बात डोंट ट्राई टू मगअप मग कि रटो मत की हाँ अच्छा ये वर्ड है बस फटे फट फटाफट फटाफट फट, फट, रटे जा रहे हो रटे जा रहे हो नहीं आपको मग अप नहीं करना है जस्ट रीड रीड एंड रीड मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ जो भी वो कैब की क्लास में होते हैं मेरे साथ में बच्चे मैं उनको बोलता हूँ कि आपको क्या करना है आपको क्या करना है आप अगर वो कैब की क्लास कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं अगर आप वो कैब की क्लास कर रहे हैं सबसे पहले आपको देखना है यानी कि वॉच ठीक है फिर आपको क्या करना है नोट्स बनाने हैं उसके साथ में क्या करना है नोट्स बनाना है फिर आपको क्या करना है रिवाइज करना है क्या करना है रिवाइज करना है। और फिर से आपको क्या करना है वॉच करना है कितनी स्पीड पे 1.5x की स्पीड पे या फिर 2x की स्पीड पे अगर आप ऐसे करेंगे अगर मान लो ये वीडियो थी 100 वर्ड्स की कितने की 100 वर्ड्स की तो जब आप इस प्रोसेस को क्या कर लेते हैं कंप्लीट कर लेते हैं तो जो आपके 100 वर्ड्स थे वो आपके माइंड में छप चुके होंगे ठीक है आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे ठीक है सो so, ऐसे करना है तो आपको मैं यही कह रहा हूँ कि जो फ्रीक्वेंट वर्ड्स जो बहुत simple, simple, छोट -छोटे, बहुत सिंपल सिंपल छोट-छोटे जिनका मीनिंग इजी वर्ड है आप, उन से करें। प्लस अगर आप पे जाएंगे, जो ठीक है टॉप सीरीज फ्रॉम प्लेलिस्ट अगर आप एग्जाम के लिए बिल्कुल है, है, तो क्या है हमारी एक फ्री कंप्लीट इंग्लिश बैच चल रहा है पे धुरीना की प्लेलिस्ट पे

चार सौ पांच सौ बार हजार बार पूछी जा चुकी है तो वो वाली बो कैब हमने वहां पर करी है जो टॉप वाली है राइट प्लस में मैंने आपको बता ही दिया कि मेक नोट्स, नोट्स बनाना ही बनाने हैं साथ में हाँ अगर हम टाइम की बात करें कि आपको टाइम कितना देना है वो कैब को तो आपको वन आर देना है हर रोज ठीक है अगर आप हर रोज एक घंटा बो कैब पढ़ते हैं यानी कि आप ये वीडियो वगैरह देखते हैं और रिवाइज करते हैं पूरे दिन में इस चीज को तो आप एक घंटा दे सकते हैं लेकिन अगर आप पूरा डेडिकेटेडली सोचते हैं कि मैं नहीं मैं तो पहले दो महीने अपनी इंग्लिश ही अच्छी करूंगा तो आप पूरा पूरा दिन भी दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप दो तीन घंटे ही बढ़ा सकते हैं वो अपना आप टाइम टेबल खुद से बना सकते हैं ठीक है लेकिन ये उसके लिए है कि जो मैथ्स भी पढ़ता है जो रीजनिंग भी पढ़ता है जो जीकेजीएस भी पढ़ता है और इंग्लिश भी पढ़ता है उसे चार सब्जेक्ट उसे एक दिन में कंप्लीट करने होते हैं तो ये उस बच्चे के लिए है ठीक है यहाँ तक क्लियर होगा नेक्स्ट दूसरी बात हाँ ये वाली बात क्या थी बहुत इंपॉर्टेंट थी है ना अभी तक हमने क्या सीखा है कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है ग्रामर पढ़नी होती है ठीक है क्या पढ़ना होता है ग्रामर पढ़ना होता है ठीक है हमें वकैब पढ़ना होता है ठीक है हमें क्या करना होता है वकैब पढ़ना होता है और रीडिंग स्किल वाला पढ़ना होता है पोर्सन लेकिन हम लिसनिंग को फोकस नहीं करते हैं लिसनिंग पर फोकस नहीं करते हैं ना क्योंकि हमारे एग्जाम में तो आता नहीं है लेकिन ये क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों है क्योंकि जितना आप सुनेंगे जितना आप सुनेंगे उससे क्या होंगे आप बहुत उतने ही कंफर्टेबल होंगे क्या comfortable होंगे कंफर्टेबल होंगे किसके साथ में इंग्लिश के साथ में उतने ही आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे है ना क्या होगा कि जो आप वर्ड सुनेंगे ठीक है उससे क्या हो जाएंगे आप यूज हो जाएंगे ठीक है क्योंकि आपको लगेगा अरे यार ये वर्ड तो मैंने सुना हुआ है ऐसा हम बोलते हैं ना अक्सर तो उससे क्या होता चीज़े है चीज़ें इजी लगती हैं और फैमिलियर लगती हैं चीज़ें क्या लगती हैं फैमिलियर लगती हैं

मूवीज वगैरह फिर आप मूवीज वगैरह में थोड़ा अलग ही तरीके से घुस जाते हैं ठीक है बट आप पॉडकास्ट पोडकास्ट वीडियोस और इंटरव्यूज अगर हो सकता है तो आप इन्हें हर रोज कितने टाइम में यानी पंद्रह से बीस मिनट तक आप इन्हें देख सकते हैं ठीक है से मिनट तक आप इन्हें हर रोज देख सकते हैं ताकि आपकी जो लिसनिंग पावर है यानी कि समझने की क्षमता यानी कि पढ़ने से भी होगी और सुनने से और ज्यादा होगी क्योंकि आप समझ पाएंगे यानी कोई कुछ कहना चाह रहे हैं और आप उसको फटाफट क्या कर रहे हैं इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने माइंड में राइट सो उससे क्या होगा आपकी जो एबिलिटी है इंग्लिश को समझने की अंडरस्टैंडिंग पावर और इंक्रीज होगी राइट right? सो so आपको इसके लिए ये करना है सो आई होप क्लियर होगा मैंने आपको ग्रामर का वो कैब का रीडिंग का कैसे करना है और लिसनिंग का क्यों करना जरूरी है ये भी मैंने आपको बता दिया सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बाकी किस सब्जेक्ट जैसे अगर हम सब्जेक्ट एग्जाम स्पेसिफिक की बात करें कि जी हमें तो बस खाली हरियाणा वाले के बता दो कितने क्वेश्चन आते हैं कितने प्रिपरेशन करनी है कैसे क्या करना है वो सब नहीं होगा एस एस सी का बता दो ऐसा अलग अलग तो देखो उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अगर आप एक स्पेसिफिक एग्जाम को लेकर चलेंगे तो आप दूसरे एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे तो आप कॉमन प्रिपरेशन करो अपने सब्जेक्ट को मजबूत करो एग्जाम के पीछे मत भागो ठीक है अगर मान लो आप अपना इंग्लिश ही मज़बूत कर लेते हैं तो उसके बाद चाहे एग्जाम कोई भी हो चाहे एसएससी का हो चाहे हरियाणा का हो चाहे राजस्थान का हो चाहे बैंकिंग का हो कोई भी हो आपकी इंग्लिश तो स्ट्रॉग है और ऐसा तो है नहीं कि उस एग्जाम में अलग आती है उसमें अलग आती है बस डिफरेंस किसका होता है डिफिकल्टी लेवल का होता है कि मान लो किसी एग्जाम में थोड़ी कम डिफिकल्ट आती है किसी में थोड़ी ज़्यादा आती है बस थोड़ा सा वही फर्क आएगा बाकी इंग्लिश हर जगह सेम रहती है तो आपको यह चीज अपने माइंड में रखनी है और अगर इसके अलावा कुछ है माइंड में तो आप उसे निकाल दीजिए ठीक है तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को अगर आपकी पहले थोड़ी इंप्रूव है तो आप इसे थोड़ा और इंप्रूवमेंट अपने अंदर देख सकते हैं ठीक है सो so, टिप्स दे देता हूं कुछ साथ में टिप्स हैं हमारे पास में कि कंप्लीट ग्रामर वन सेट लिस्ट ये मैं आपको बता चुकी कि आपको ग्रामर करनी ही करनी है नोट्स बनाने हैं प्रैक्टिस एटलीस्ट फिफ्टी क्वेश्चन एंड पीवाई क्यू यानी कि क्या करना है आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मान लो आपने कोई भी टॉपिक कंप्लीट किया आपने क्या करना है उस टॉपिक के फिफ्टी क्वेश्चन क्या करने हैं प्रैक्टिस करने हैं ठीक है ये क्वेश्चन आपके मोक में भी हो सकते हैं या फिर आप पी वाई क्यूज के भी लगा सकते हैं

आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगी या फिर आप धुरीना के एप्लीकेशन पे ही मॉक टेस्ट दे सकते हैं इंग्लिश वगैरह के तो आप वहाँ से दे के अपना स्कोर चेक कर सकते हैं अपना इंप्रूवमेंट चेक कर सकते हैं ठीक है दूसरी बात बी रेगुलर अदरवाइज यू विल फॉरगेट यानी कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा मान लो आज आपने कोई क्लास करी इंग्लिश की मान लो आपने टेंसेज पढ़े लेकिन आप दो चार दिन बंक कर देते हो ठीक है इंग्लिश को रेगुलर नहीं पढ़ते तो क्या होगा जो आपने पढ़ा था ना वो भूल जाओगे आप आपको याद नहीं रहेगा तो इसलिए अगर जिस दिन आपको लगे कि हाँ मैं अब लगातार दो महीने पढ़ सकता हूँ इंग्लिश को आप उस दिन शुरू करना क्योंकि अगर आप एक दिन पढ़ के चार दिन बीच में बंक मारेंगे तो उससे क्या होगा आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी ना ही आप चीज़ों को रट, आ, मतलब याद रख पाएंगे और ना ही अच्छे से सीख पाएंगे ठीक है मतलब कि रिटेन नहीं कर पाएंगे बात सीधी है सी, क्या नहीं कर पाएंगे रिटेन नहीं कर पाएंगे याद नहीं कर पाएंगे ठीक है So, उसके लिए आपको रेगुलर और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आफ्टर फाउंडेशन रीड ओनली एग्जाम ओरिएंटेड यानी कि अगर लो आपने एक बार जो फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने बेसिक चीजें कंप्लीट कर ली उसके बाद में आपको कोई फाउंडेशन कोई बेसिक उसके बाद में पूरी लाइफ में पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है उसके बाद में आपको क्या करना है ओनली एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्या है कि जो एग्जाम में आएगा कि अब ये आपके एग्जाम में भाई नरेशन आता है तो आपको नरेशन पढ़ना ही पढ़ना है आपके एग्जाम में वॉइस आता है तो आपको वॉइस पे ज्यादा फोकस करना है आपके एग्जाम में अगर आर्टिकल आ आ रहा है आर्टिकल पे फोकस फोकस करो बस तीन तीन टॉपिक रहे हैं आप करेंगे चार आ रहे हैं चार पे फोकस करेंगे उसके बाद आप सारी इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे ठीक है मतलब फाउंडेशन स्ट्रॉग हुआ अब क्या पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड जो एग्जाम में आएगा उस पर फोकस करेंगे ठीक है क्योंकि आपके लगभग नाइनटी फाइव परसेंट तक रूल्स क्या हो जाएंगे कवर हो जाएंगे तब तक ठीक है दवाई है नहीं कोई अगर कोई सोचे कि नहीं इससे भी आसान तरीका बता दो करने का तो फिर भाई मेरे कुछ नहीं हो सकता इंग्लिश छोड़ दो राइट यूज वर्ड्स इन डेली लाइफ और एटलीस्ट टू थ्री वर्ड्स वेरी बेसिक एग्जाम्पल ठीक है आपको क्या करना है मैंने आपको बताया कि डेली लाइफ में वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे कम से कम तीन से चार वर्ड हर रोज यूज करो थोड़े बहुत है ना जैसे देन वर्ड थैंक्स वगैरह है ना इन सबका यूज करो उसे जैसे ऑल द बेस्ट बोलते हो आप क्या बोलते हो किसी को ऑल द ऑल द बेस्ट भी बोलते हो तो उसमें भी सुपरलेटिव डिग्री आप यूज कर रहे हो द बेस्ट आर्टिकल भी पढ़ लिया सुपरलेटिव भी पढ़ लिया है ना सो so वो स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो आपको ध्यान रहेंगे चीजें ना उसके बाद में एग्जाम में कभी एरर वाले क्वेश्चन आ गए तो आपको पता होगा अच्छा हाँ इवन पढ़ा था तो आप उसको सही करेंगे राइट फिर है हाँ शर्माओ मत नहीं तो चली जाएगी वो है ना तो मतलब क्या है कि आपको शर्माना नहीं है लाइक like, अगर आज आप पढ़ लेंगे ठीक है किस चीज़ को इंग्लिश को यूज़ कर लेंगे टाइम पे तो आप स्ट्रोंग कर लेंगे चीज़ों को अदरवाइज जिनके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं जिसके लिए कर रहे हैं तो वो भी गायब होने वाला है ठीक है सो लाइक ये था आज की हमारी क्लास के लिए सो आई होप ये क्लियर होगा और बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बोलते हैं एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज द बेस्ट इंटरेस्ट यानी कि अगर आप नॉलेज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो इसका जो ब्याज होता है इंटरेस्ट होता है वो आपको बहुत बहुत ज्यादा मिलता है राइट सो बेंजामिन फ्रैंकलिन हमारे एक राइटर भी थे और एक फाउंडर थे यूएस के ठीक है सो ऑल द बेस्ट गाइज आई होप आपके मैंने लगभग डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे अगर फिर भी आपको इंग्लिश से रिलेटेड कैसे इंप्रूव करना उससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं हम उसे जरूर कंसीडर करेंगे सो so, आप इस वीडियो को अभी लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए सो डैट वो भी अपना थोड़ा सा इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ को देख सकें सो so, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत